वंस अगेन जब बैरियर जैसे ब्रांड के अंदर गेटेड कम्युनिटी के अंदर जब यह खिदमत सर अंजाम दे ली, जहां पर उन्होंने सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन की और आप लोग आज भी बैठ के जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जहां आपने की है उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। लिहाजा अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, इस जगह को देखें, इस लोकेशन को देखें, इस मॉल के इस एलिवेशन को देखें और उसके अंदर जो ये मॉडल लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स वाला, जहां पर अंडर वन रूफ आपको तमाम बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिजवान कवि खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज बहरिया टाउन लाहौर से। लाहौर में बड़ी सरमायाकारी का मौका, एलडीए अप्रूव्ड एरिया में अब आप लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिलने वाली है आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपर की जिन्होंने ऑलरेडी बहरिया के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और देने के बाद अभी भी उनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर चुका है, कर रहा है और जो वहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं तो इस बनते हुए प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी स्टिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका जो रिस्क लेवल का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओज डिवेलपर की। ओज डिवेलपर बैरिया के एक ऐसे नामी ग्रामी डिवेलपर रहे जिन्होंने अपनी जो शनाख्त है वो इस तरह करवाई कि उन्होंने पहले उस लैंड को बाय किया जहाँ पर प्रोजेक्ट देना था, उसके बाद अप्रूवल्स ली, अप्रूवल्स लेने के बाद वहाँ पर डिगिंग पोरिंग राफ्टिंग एक अच्छे लेवल पे की, इसके बाद आप लोगों को कहा जी आए हमारे सेल्स पार्टनर बने। ये वो चीज़ है जो टाइम टू टाइम हम डिफरेंट वीलॉग्स के अंदर आप लोगों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए ट्रस्ट का बाइस बनी और आपने यहाँ पर कमर्शियल आउटलेट्स को बाय किया और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को कंसीडर किया। वंस अगेन जब बैरियर जैसे ब्रांड के अंदर गेटेड कम्युनिटी के अंदर जब यह खिदमत सर अंजाम दे ली, जहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन की और आप लोग आज भी बैठ के जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जहां आपने की है उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, उसके बाद कामयाबी के बाद उन्होंने फर्दर जो अपनी अगली मूव ली वो अपना वो एरिया लिया जहां पर ऑलरेडी वो लोग एक लैंड को ओन करते थे बट उसको इसलिए मार्केट में वो लेकर नहीं आए क्योंकि उसकी अप्रूवल चल रही थी वो भी एलडीए के अंदर। फाइनली अगर हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि आपको मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर एक ऐसी लोकेशन के ऊपर बना के दिया जा रहा है, बिल्कुल मेन के ऊपर, जहाँ से लोग जिस जगह को अप्रोच करना चाहते हैं अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि लाहौर कसूर रोड की बात करें, मेन फिरोजपुर रोड की, मेन शाहरा की, तो वहां पर आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा जहां से आपको कनेक्टिविटी मिलती है पूरे शहर की। से बड़े एरियाज को आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सोसाइटी में जा सकते हैं, आपने मॉडल टाउन, जोहर टाउन, फैसल टाउन, उसके साथ साथ डीएचए की बात करें, गुलबर्ग की बात करें, कैंट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, स्टेशन की बात करें, किसी भी जगह जाना है तो आप उस जगह से, उस लोकेशन से कहीं ना कहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आने वाले वक्त में जिस तरह उस जगह पे आपको इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय आपको मोटरवे की आने वाले वक्त में एक्सेस मिलेगी जो कि लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़ायदा देने वाली है क्योंकि फिरोजपुर रोड का जो एरिया है ये सारा का सारा एलडीए के अंडर आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ भी डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर बताया था कि आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ओज डेवलपर के प्रोजेक्ट लाहौर स्काई के अंदर जो है वो मिलने वाली है, तो बिल्कुल ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सरमायाकारी एलडीए अप्रूव एरिया में वंस अगेन ओज डेवलपर के प्रोजेक्ट लाहौर स्काई के अंदर आप लोगों को मिलेगी। जी हाँ, अगर हम इस कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये चूंकि टोटल जो एरिया 73 कनाल का है उसके साथ साथ जो कवर्ड एरिया है वो 20 कनाल का है, तो वहाँ पर आपको इस पूरी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर एक लाइफस्टाइल आप लोगों को मिलेगा, जो पहला प्रोजेक्ट इन लोगों ने दिया है वो लाहौर स्काई है। इसमें हम लाहौर स्काई की बात करें तो इस 20 कनाल के एरिया में आपको बताऊँ कि 12 कनाल का कवर्ड एरिया मिलेगा,
जिसमें 8 कनाल की आपको 4-sided पार्किंग मिलेगी। उसके साथ साथ 3 basement आपको ऑफर किए जाएंगे जो कि आपके 20-20 कनाल पर मुश्तमिल होंगे। 3 basement आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस प्रोजेक्ट की ही बिल्कुल बैक साइड पर जो 3 कनाल की बिल्डिंग मिलेगी वो भी डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलेगी। लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें जो कि आपको 12 कनाल का पहला कवर्ड एरिया मिलेगा जिसको कैंटिलीवर एलिवेशन के साथ आपको बना के दिया जा रहा है, इसके अंदर आपको कमर्शियल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आपके पास जो फ्लोर्स होंगे एक्सपेक्टेडली वो 4 होंगे, जहां पर आपको DFO कॉन्सेप्ट के तहत डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट को अगर हम देखें जो कि ये मॉडल बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर भी अब आप लोगों को अंडर वन रूफ मिलेगा, फैक्ट्री आउटलेट्स जहां पर आपको 12 महीने सेल मिलेगी इस मॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप लोग एक्सपेक्टेडली 20-25% डाउन पेमेंट करेंगे और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स पेयर करेंगे जो कि एक्सपेक्टेडली पेमेंट प्लान के मुताबिक 4 साल का होगा। और चूंकि इनकी रिवायत यही रही है जो इनका प्रीवियस बैकग्राउंड है डेवलपर का कि पहले ये लोग तमाम अप्रूवल्स लेने के बाद डिगिंग करते हैं और उसके साथ ही पेमेंट प्लान की रिवील कर देते हैं, तो ये यहाँ पर भी यही मॉडल लेकर आ रहे हैं। तो आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी प्रॉपर्टी इस खूबसूरत मॉल के अंदर होगी लाहौर स्काई के अंदर। लिहाजा अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, इस जगह को देखें, इस लोकेशन को देखें, इस मॉल के इस एलिवेशन को देखें और उसके अंदर जो ये मॉडल लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स वाला जहां पर अंडर वन रूफ आपको तमाम बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, जहां पर आपकी खुद की शॉप होगी, उसके साथ साथ आपको यहां पर फूड कोर्ट एरिया जो आपको प्रॉपर दिया जाएगा, इस एरिया में आप लोग ना सिर्फ अपना बिजनेस कर सकते हैं बल्कि इसको एक अच्छे रेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वही होती है जो टाइमली डिसीजन पर की जाए। लिहाजा अगर हम लाहौर स्काई मॉल की बात करें, उस डेवलपर के वीएन की बात करें, इस लोकेशन की बात करें जो आपको सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे मिल रहा है न्यू मेट्रो के स्टेशन से, जो आपको मिलेगा 10 मिनट की ड्राइव पे आने वाले वक्त में जो कि फ्यूचर की मोटरवे है वहाँ से, और वहाँ से आप ना सिर्फ डिफरेंट शहरों को अप्रोच कर सकते हैं बल्कि सीधा रावलपिंडी इस्लामाबाद जा सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है। तो आपके पास इस LDA अप्रूव जगह पे वेरी फर्स्ट डे से ही मौका मौजूद होगा कि आप अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, बैरिया के लोग आजमा चुके हैं, बैरिया के लोगों ने जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी ओस डेवलपर के बैरिया स्काई वाले प्रोजेक्ट में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। DHA वालों से मैं कहना चाहूँगा कि इन केस अगर उन्होंने DHA के अलावा किसी को नहीं देखा तो बैरिया के ये वाले डिवेलपर जो कि ओस डिवेलपर हैं, इनकी खिदमात को देखते हुए इस LDA अप्रूव जगह पे कोई ना कोई कमर्शियल बाय कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। फर्दर मैं आपसे अगले वीलॉग के अंदर मिलता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये आज के टाइम पे आप लोगों को बताना लाजमी है कि टाइमली डिसीजन मैटर करता है। CDB प्रॉपर्टीज इनके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं और लेडी ओज डेवलपर के प्रोजेक्ट के बैरिया स्काई में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, दे रहे हैं, स्टिल इनके साथ एंगेज हैं और आपको हम लोग हेल्प आउट करने वाले हैं उनके इस नए प्रोजेक्ट लाहौर स्काई के अंदर। फर्दर कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92333115800। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, लाइक करें ताकि आपके जितने भी बिलव्ड वंस हैं वो हमारी वीडियोज़ देखने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।